आपकी अदालत में अगला इल्जाम गौतम अडानी। आपकी अदालत में सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी पर आरोप है कि ये एहसान फरामोश हैं। गौतम भाई, जब आपका नाम आता है ना तो लोग कहते हैं नाम ही काफी है, गौतम अडानी। और एक शख्स है हमारे देश में जिन्होंने पिछले 8 साल में बड़ी मेहनत से आपको लोकप्रिय बनाया, वो हर रोज आपका नाम लेते हैं। नाम तो सुना होगा, राहुल। लेकिन इल्जाम यह है कि आपने कभी उनको शुक्रिया तक अदा नहीं किया, थैंक यू नहीं कहा। देखो रजत भाई, राहुल जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है और मेरे को लगता है कि एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी करूं वो अच्छा नहीं है। वो सम्माननीय नेता है और मैं देखता हूं कि वो भी देश की प्रगति चाहते हैं। कभी ठीक है पॉलिटिकल आवेश के अंदर उनका एक बयान आ जाता है तो मैं उसको पॉलिटिकल बयानबाजी से ऊपर में लेता नहीं हूँ। देखिए, आप टिप्पणी नहीं करते लेकिन वो आप पर खूब टिप्पणी करते हैं। एक दो उदाहरण मैं आपको देता हूँ। राहुल गांधी कहते हैं, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं, फरवरी 2022 की बात है, कि मोदी सरकार ने हिंदुस्तान के सारे पोर्ट, सारे एयरपोर्ट, सारा गैस, सारा ट्रांसमिशन, सारी पावर, सारी माइनिंग, सारी ग्रीन एनर्जी, गैस, सब कुछ गौतम अडानी को दे दी। सी रजत भाई, जब आप आरोप लगा रहे हो तो आप एक बताओ कि जिसमें हमने एक भी काम विदाउट बिडिंग काम किया हुआ, एक भी जगह पे बिडिंग के बिना और मेरिट्स के बिना कभी वो बिजनेस के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। हमको भी मालूम है कि भारत में उस तरह का काम करने से कंट्रोवर्सी ज़्यादा होती है। तो मेरी पूरा अदानी ग्रुप की एक फिलोसॉफी रही है कि कोई भी चीज़ विदाउट बिडिंग अपने को टच नहीं करने का है। तो आइधर मेरा पोर्ट्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, रोड हो गए, पावर हाउस हो गए, एक भी बिजनेस हमने विदाउट बिडिंग काम नहीं किया है। ये तो बात ऐसी है कि आप परीक्षा के अंदर आप एक नंबर पे आ गए तो बोलता है कि एक नंबर पे आप कैसे आ गए, तो कोई कहेगा पर्चा लीक कर दिया होगा। हाँ तो वो आक्षेप होना चाहिए। आज हमारे ऊपर वो आक्षेप इवन राहुल जी ने भी नहीं डाला है कि भाई क्योंकि ये बिडिंग प्रक्रिया के अंदर के कोई गड़बड़ी है और वो गड़बड़ी की वजह से आपको ये मिला हुआ है। आक्षेप क्या है आपको बताता हूँ। उनका कहना है कि ये सारा का सारा जो पैसा है जो आप इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में, ये सारा का सारा बैंकों से लिया हुआ लोन है और 2,00,000 करोड़ रुपए का लोन है गौतम अडानी के ऊपर, और ये सारा जनता का पैसा है जिससे आप माल बनाते हैं। ये रजत भाई, आपने ये अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं आपको बताऊं कि इंफ्रास्ट्रक्चर आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, एक आप बैंक की डेट होता है और उसके ऊपर आप इक्विटी लगा रहे हो। 30-40% आपको अपना पैसा लगाना है, 60-70% आपको बैंक का कर्ज लेना होता है। सवाल वो है कि आप जो कर्ज लेते हो वो कर्ज में आपकी रेटिंग क्या है। आज मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे कर्ज के अंदर अदानी ग्रुप एक ही ग्रुप इंडिया में है जिसकी साख, और वो साख कोई पॉलिटिकल और कोई बैंक नहीं देती है, वो इंडिपेंडेंट रेटिंग एजेंसी उसको देती है और वो पूरा का पूरा तुम्हारा फाइनेंशियल एनालिसिस करके देती है और जिसके बेसिस के ऊपर जिसको लोन देना हो वो लोन देते हैं। और वो साख इवन इंडिया की भी होती है, जितनी इंडियन बैंक की भी होती है और उसमें हर कॉरपोरेट की भी होती है। आज ये अदानी ग्रुप के हर कंपनी जो इंडिया की खुद की रेटिंग है यानी भारत की, उसके बराबर है, विच इज़ अ सॉवरेन रेटिंग।
जब भी अदानी ग्रुप को इतनी डिसिप्लिन और रेटिंग है कि आज तक मेरे को मेरे 25 साल के इतिहास में हमने कभी एक दिन का कभी पेमेंट डिले हुआ है या इंटरेस्ट में कोई कटौती हुई है। और जब भी अदानी ग्रुप को जब भी पैसा चाहिए जो भी डेवलपमेंट के लिए सब लोग देने के लिए तैयार है। राहुल गांधी कहते हैं कि ये जो कुछ मिल रहा है ना ये मोदी जी दिलवा रहे हैं। आप देखोगे मैं 2013 के बाद में जो वो टाइम पे 80% पैसा हम इंडियन बैंकों से लेते थे जो आज हमारा उसके ऊपर अभी आज 35% हो गया है और हमने पूरा का पूरा इंटरनेशनल मार्केट में ग्लोबल रेटिंग करके हम चले गए। तो आज ग्लोबल के अंदर कोई इंडिया की किसी की कहने से और बोलने से कोई पैसा नहीं देता है, वो तो उनका रेटिंग और उनकी गवर्नेंस के हिसाब से ही देते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे हर कंपनी की रेटिंग जो है और हमारे डिस्क्लोजर्स है और वो डिस्क्लोजर के ऊपर अभी हमारी एक कंपनी को वर्ल्ड वाइड थर्ड ESG लेवल के ऊपर उसको अवार्ड मिला है। तो ये जो है ये आरोप पूरा का पूरा बेबुनियाद है। अभी ठीक है पॉलिटिकल उनको बताने के लिए बताते हैं तो उसका जवाब तो जो लेंडर्स और बोरोवर हम हैं लेंडर्स हैं, आज हमको कभी वो दोनों के बीच में कभी तकलीफ नहीं हुई। ज्यादातर लोन आपको सरकारी बैंकों से मिलता है और 40% लोन 2020 से 2022 के बीच मिला। नहीं मैं आपको बताऊं कि हमारा लोन की मात्रा लास्ट आठ साल के अंदर 11% से बढ़ोतरी हुई है और हमारी इनकम 24% से बढ़ी है, जो हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है और उसकी वजह से ही हमारा रेटिंग सुधर गया हुआ है, वो हमारी बोरोइंग से भी ज़्यादा बढ़ रही है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर कभी अडानी का बलून फटा तो सारे बैंक बर्बाद हो जाएंगे। ये तो कई कई क्रिटिक लोगों की एक इच्छा रहती है पर मैं आपको बताऊं कि अदानी की एसेट जो लोन है उससे भी 3 से 4 गुना ज़्यादा है। तो वो कोई किसी का पैसा अनसिक्योर्ड नहीं है तो ये गुब्बारा उड़ता रहेगा कभी फटेगा नहीं। इंडिया जब तक आगे बढ़ता रहेगा ये गुब्बारा आगे आगे चलता रहेगा। अब हम जनता के सवाल लेंगे। आप थर्ड रूम। आपने बोला कि नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, माया है, लेकिन हमें बहुत गर्व होता है जब हमें पता चलता है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी जो हैं वो हमारे देश से हैं। मेरा सवाल ये है कि आपने ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए होंगे तो क्या कभी डर नहीं लगा? जब आप रिस्क लेते हो तो आपको उसका अंदाज़ा मालूम होना चाहिए। आज हमने कहीं कहीं जगह पे रिस्क लिए, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सब में हम सफल हुए हैं, कहीं कहीं जगह पे फेल्योर भी हुए हैं। तो रिस्क लेने के बाद में आपकी इतनी ताकत होनी चाहिए कि मैं ये नैया पार कर दूँगा और उसके लिए आपको परसिवियरेंस चाहिए। मुश्किलें आएगी, कोई भी आप कार्य करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपके पास सफलता की चाबी आपके हाथ में आ जाएगी। पहले मुश्किलें उसमें आएगी पर लेकिन आपका इंटेंशन अच्छा होगा और आप उसके ऊपर परसिवियरेंस से काम करते रहेंगे तो मेरा अनुभव है कि विफलता नहीं मिलती है। राहुल गांधी एक और आरोप ये लगाते हैं कि मोदी जी इतना सपोर्ट करते हैं मुंडला पोर्ट ट्रस्ट से, जो आपका पोर्ट है, पहला पोर्ट जो आपने बनाया था, 2021 के सितंबर में वहां से 20,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई, 2022 में मई में 500 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई और फिर जुलाई 2022 में 375 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई और वो पूछते हैं कि कौन है जो बचा रहा है अडानी को। मैं तो देखता हूं कि ये जो ड्रग्स पकड़ा है तो आपने कभी उस तरह से सोचा कि ये ड्रग्स ये पकड़ा वो बहुत अच्छी बात है और कोई भी ड्रग्स आज जाता है तो इमीडिएटली पकड़ में आ जाता है, उसका मतलब वो नहीं है कि पहले ड्रग्स का कारोबार नहीं हुआ होगा। पर लेकिन आज
मैं अपनी हर एजेंसी को बधाई देना चाहता हूँ, चाहे वो कस्टम्स होवे, पुलिस होवे, DRI होवे, कि उन लोगों ने अच्छी तरह से काम करके इस तरह के ड्रग की स्मगलिंग करने वाले को पकड़ लिया है। और मेरे पास में जब हम पॉट चलाते हो तो हमारे पास कोई दूसरा पावर नहीं होता है कि एक्सेप्ट जो सरकार बोलती है इतना ही काम करने का। पॉट चलाते हो तो आपका खाली कार्गो चढ़ाना और उतारना, आपके पास कोई पुलिसिंग का पावर नहीं है, कोई इंस्पेक्शन का पावर नहीं है, कोई अरेस्ट करने का पावर नहीं है। वो काम सरकार की अलग अलग एजेंसियां करती हैं। तो ये लोगों को गुमराह करने की बात है। और अच्छा, ये जो जो भी पकड़ा है वो सरकार के पास में पूरी की पूरी खबर आती है कि ये कौन करवाता है, कौन भिजवाता है, कैसे आता है, और सरकार ने सबको डबोच लिया है। लेकिन इल्ज़ाम राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी ये लगाते हैं कि बार बार ड्रग्स पकड़ा गया लेकिन सरकार ने, सरकारी एजेंसियों ने अडानी से, उनके किसी आदमी से पूछताछ तक नहीं की। नहीं, वो गलत है। जब कोई भी इन्वेस्टिगेशन होता है तो वो 360 डिग्री का इन्वेस्टिगेशन होता है, और उसमें तो पूछताछ तो होती है। वो ऐसा कुछ नहीं होता है कि सरकारी लेवल पे कोई पूछताछ को बाईपास करते हैं। तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि भाई उसमें अदानी ग्रुप को उन्होंने कुछ ऐसा किया है या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है। जैसे आपकी वेल्थ को कैलकुलेट करने में, हिसाब रखने में दिक्कत हुई, ऐसा मुझे दिक्कत हुई राहुल गांधी के आरोपों का हिसाब रखने में। 8 साल से हर रोज 2-3 आरोप लगा देते हैं। रजत भाई, मेरे को ऐसा लगता है आप राहुल जी की बात करके वापस मेरे को राहुल जी से आप झगड़ा करवा देंगे। और कल और एक और स्टेटमेंट कर देंगे। तो मैं मानता हूँ कि राहुल जी एक सम्मान्य नेता है, ठीक है, उनको भी एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, उनकी आइडियोलॉजी की लड़ाई होती है, और उसमें आरोप, प्रत्यक्ष आरोप होता है। तो मैं तो एक सामान्य उद्योगपति हूँ, तो मैं मेरा काम करता रहता हूँ, वो उनका पॉलिटिक्स उनके हिसाब से करते नहीं। ना तो आप सामान्य हैं ना वो सामान्य है। और देखिए उन्होंने क्या कहा, उनको इस बात से भी प्रॉब्लम है कि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वो कहते हैं उसमें जो क्रिकेट की पिच है, एक एंड का नाम अडानी एंड क्यों है? ऐसा है कि जब कोई भी स्टेडियम बनता है तो वो ऑक्शन से वो लोग स्टेडियम का, कौन से स्टेडियम के, क्योंकि एक साइड पे अडानी स्टेडियम है, दूसरी साइड पे रिलायंस स्टेडियम है, तो दोनों ग्रुप ने वो पैसा दे के वो राइट्स लिया है। तो उसमें कोई गलत क्या है वो मेरे को मालूम नहीं है। आप कभी राहुल गांधी के बारे में ज़्यादा बोलते नहीं, आज जनता भी सामने है, पब्लिक सामने है, मौका है, कुछ कहना चाहते हैं कह दीजिए। (2014) के चुनाव के बाद में, वो चुनाव के वक्त और उसके बाद में जो कंटिन्यूसली राहुल जी ने हमारे पे अटैक किया है, तो उससे आप लोगों को भी अदानी कौन है वो जानने का मौका मिला, और उसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।